हेलो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मेरे पास है आज MI स्मार्ट स्पीकर। ये स्पीकर मेरा दोस्त ने मेरे को गिफ्ट किया है आज, तो मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। आज करेंगे इसका अनबॉक्सिंग और हम रिव्यू भी करेंगे और इस पर कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, कन्फिगर करेंगे इसको कोई भी स्मार्टफोन से, वो भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरा चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सटेंशन, मैं हूं आपका दोस्त सुब्रतो। तो दोस्तों, ये जो MI स्मार्ट स्पीकर का जो बॉक्स है, ये बॉक्स को अगर करीब से देखेंगे तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ा फीचर जो है वो DTS साउंड मिलता है यहाँ पे, और ओके गूगल यानी गूगल असिस्टेंट है, और ये Xiaomi का प्रोडक्ट है, MI Xiaomi का प्रोडक्ट है। आप देख पा रहे हैं इधर की तरफ देखें तो यहाँ पे ओके गूगल आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि गूगल असिस्टेंट ओके गूगल से ही आपका बात को समझेगा। उसके बाद व्हाट कैन यू डू या प्ले सम म्यूजिक, बहुत कुछ यहाँ पे कमांड दिया हुआ है, ये कमांड आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे में लिखा हुआ है चेक आउट दिस कंपैटिबल सर्विसेज एंड मोर एट assistant.google.com/discover। इस लिंक पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या क्या सर्विस कंपैटिबल है। यहाँ पे मिल जाता है एक MI का स्टिकर जहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, इसका कलर ब्लैक है और ये चाइना का प्रोडक्ट है। इस तरफ देखे तो यहाँ पे आपको फीचर के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए पावरफुल साउंड, DTS प्रोफेशनल ट्यूनिंग सेट, अलार्म, टाइमर्स, रिमाइंडर्स, गेट आंसर्स यानी ये आंसर देगा आपको। इसके बाद कंट्रोल स्मार्ट होम डिवाइसेस यानी आपका घर में अगर स्मार्ट बल्ब रहता है, स्मार्ट LED कुछ भी रहता है तो उसको ये कंट्रोल कर सकता है। प्लान योर डे, आप डे प्लान कर सकते हैं। आपका यहाँ पे म्यूजिक मीडिया सब कुछ कंट्रोल भी कर सकते हैं, और ये हाईफाई ऑडियो प्रोसेसर से ये बना हुआ है स्मार्ट स्पीकर। नीचे की तरफ देखें तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है December 2020, मंथ एंड ईयर ऑफ इंपोर्ट January 2021, और आप प्राइस जो देख रहे हैं दोस्तों 5999 फ्लिपकार्ट से। मेरा दोस्त ने शायद इसको 3500 या 3999 पे ये परचेस किया है। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट नेम जो लिखा हुआ है स्मार्ट स्पीकर, और यहाँ पे यूज़र मैनुअल एक, पावर अडेप्टर एक और स्मार्ट स्पीकर एक यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वांटिटी जो इसके अंदर कंटेंट्स है यानी इसके अंदर जो मिलेगा मेरे को। तो जल्दी से करते हैं दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग। तो ये रहा सीजर, तो दोस्तों इसको अनबॉक्सिंग कर लिए, ओपन करते हैं। इसके ऊपर जो रहता है दोस्तों, सबसे पहले जो मिलता है मेरे को वो है बिल, ये देख पा रहे हैं आप बिल। उसके बाद आ रहा है आपका यहाँ पे मैनुअल। दोस्तों ये मैनुअल आपको गौर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मैनुअल पे आपका कमेंट के साथ लिखा हुआ है कि कैसे आप लोग स्टार्ट कर सकते। फिलहाल हम इस वीडियो में पूरा ही हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इसको रखते हैं साइड, और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप बॉक्स के ऊपर बहुत अच्छा तरीके से ये पैकेजिंग किया हुआ है। ये देखिए ये बहुत हार्ड है, और स्पीकर का सेफ्टी के लिए ये इतना हार्ड बनाया गया है प्रोटेक्शन के लिए। इसको रखते हैं साइड में, और ये रहा दोस्तों स्पीकर जो है एक प्लास्टिक कवर के अंदर। इसको रखते हैं साइड में, और यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर मिलता है आपको एक पावर एडाप्टर, ये देखिए ये पावर एडाप्टर है, ठीक है दोस्तों। तो ये बॉक्स के अंदर देख पा रहे हैं आप, और कुछ नहीं है, ये देखिए बॉक्स खाली है। तो बॉक्स को करते हैं साइड। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ आपको मिलता है इस बॉक्स के अंदर, ये यूज़र मैनुअल, ये एडाप्टर और ये स्पीकर, ठीक है दोस्तों। तो हम ये दोनों चीज़ को साइड में रखते हैं, और यहाँ पे हम सबसे पहले आपको एडाप्टर को ओपन करके दिखाते हैं। ये देखिए ये मिलता है इसके साथ एडाप्टर, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसको भी करते हैं साइड। ये है इसका एडाप्टर, देख पा रहे हैं आप, ये देखिए ये है पोर्ट। हम लोग ओपन करते हैं मेन स्पीकर को। तो ये है आपका MI स्मार्ट स्पीकर, ये देखिए ये है आपका MI स्मार्ट स्पीकर, थोड़ा वेटी है, और ये आपका मेटल से बना हुआ है ये विंडो। यहाँ पे आपका पावर का ये जो है पोर्ट, ये केबल आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये केबल आपका यहाँ पे आएगा, पावर प्लग इन होगा यहाँ पे। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे दो माइक्रोफोन दिया हुआ है ऊपर और नीचे, ये देख पा रहे हैं आप दो माइक्रोफोन दिया हुआ है। यहाँ पे प्लस साइन है, इसके बाद है आपका माइक्रोफोन, उसके बाद है आपका नेक्स्ट साइन, और उसके बाद है आपका माइनस यानी वॉल्यूम डाउन करने का बटन, प्लस और माइनस ये वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए। फ्रंट की तरफ देखें तो यहाँ पे आपका MI का लोगो दिया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, और यहाँ पे नीचे में कुछ इन्फॉर्मेशन का स्टिकर दिया हुआ है MI का। ये
चारों आपका रबर पॉइंट दिया हुआ है जिससे आपका ये किसी भी सरफेस पे ये प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। तो चलिए दोस्तों इसको सेटिंग करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन पे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे कनेक्ट कर चुका हूँ यहाँ पे पावर अडेप्टर को स्पीकर के साथ, और यहाँ पे मेरा ये एक्सटेंशन कॉर्ड है जहाँ से हम पावर देने का कोशिश करेंगे इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे प्लग इन किया हुआ है और यहाँ पे हम सबसे पहले पावर देते हैं। ये देखिए पावर ऑन हो गया, तो ये अभी कुछ देर में ऑन होने वाला है दोस्तों। ये देखिए ये थोड़ा देर में ये देखिए ऑन हो गया, ठीक है दोस्तों। अभी इसको कॉन्फ़िगर करना है, कैसे कॉन्फ़िगर होगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो ये जो लाइट अभी जल रहा है ये देखिए ये थोड़ा ब्लूइश लाइट जल रहा है, ये हो सकता है आपका यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे ये थोड़ा वाइटिश दिखे, लेकिन ये थोड़ा ब्लूइश लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो मेरे पास है ये रेडमी का स्मार्टफोन, तो ये स्मार्टफोन पर हम लोग करेंगे इसको कॉन्फ़िगर। तो यहाँ पे देखिए तो ये देखिए प्लस साइन से हम बढ़ा लिए साउंड को। तो यहाँ पे बोल रहे हैं गूगल जो होम ऐप है उसको ऐप को ओपन करने के लिए। तो हम यहाँ पे स्मार्टफोन पे ओपन करेंगे गूगल होम ऐप। ये देखिए होम ऐप, ये होता है गूगल होम ऐप, और यहाँ पे बोल रहा है कि वेलकम होम। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत आपको जो करना होगा यहाँ पे कोई भी एक ईमेल आईडी को आपको सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। तो ये जो ईमेल आईडी है इस पर हम क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। इस ईमेल आईडी पे मेरे को कॉन्फ़िगर करना है, और यहाँ पे देखिए क्रिएट होम बोल के आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए आपका स्मार्टफोन को वाईफाई के साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, होम वाईफाई के साथ। और ये भी जो है आपका स्पीकर ये भी आपको वाईफाई से कनेक्ट करना होगा, और मोबाइल का जो ब्लूटूथ है उससे भी इसको कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं करता हूँ यहाँ पे क्रिएट ए होम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग प्लस साइन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये क्रिएट ए न्यू होम बोल रहे हैं, क्रिएट न्यू होम कर दिए। यहाँ पे बोल रहे हैं होम निकनेम, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं PATRA मेरा टाइटल, राइट ओके कंटिन्यू, ठीक है ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बोल रहे हैं कि होम एड्रेस, होम एड्रेस यहाँ पे हम डाल देते हैं सिलेक्ट करते हुए कि मेरा इंडिया। ये देखिए मेरा होम क्रिएट हो गया। अभी इसके बाद जो करना है आपको इसको कनेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। यू डोंट हैव एनी रूम्स, ऐड योर डिवाइस टू सी एवरीथिंग इन वन प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लिक किए, यहाँ पे देखिए सेटअप डिवाइस है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग सेटअप डिवाइस पे, न्यू डिवाइस है, ठीक है। न्यू डिवाइस पे क्लिक कर दिए, ये एड्रेस पे मेरा होम एड्रेस पे ही होगा। यहाँ पे लोकेशन एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। मेरा लोकेशंस को हम ऑन कर देते हैं, लोकेशंस ऑन कर दिए दोस्तों, ठीक है। लोकेशन ऑन करने के बाद इसके बाद करते हैं नेक्स्ट, अलाउ, इसके बाद करना होगा ब्लूटूथ को टर्न ऑन, अलाउ परमिशन दे दीजिए। ये ढूंढ रहा है अभी, लुकिंग फॉर डिवाइस, मतलब डिवाइस को ढूंढ रहा है। एम आई स्मार्ट स्पीकर फाउंड, यहाँ पे बोल रहे येस करना होगा आपको कंफर्म करने के लिए। ये देखिए अभी कलर चेंज हो गया, देखिए डार्क ब्लू हो गया, पहले लाइट ब्लू हो रहा था अभी डार्क ब्लू हो गया। तो ये देख पा रहे हैं आप कनेक्टिंग टू एम आई स्मार्ट स्पीकर, ये स्पीकर के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये थोड़ा टाइम लेता है दोस्तों प्रॉपर तरीके से ये सेटअप कंप्लीट होकर कन्फर्म होने के लिए कि ये प्रॉपरली आपका कन्फिगर हुआ है, कनेक्ट तभी हो पाएगा। ये देखिए कनेक्ट हो चुका है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं और येस आई एम इन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए वेयर इज़ द डिवाइस, बैक गार्डन, बाथरूम, बेडरूम, बहुत कुछ है। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं मेरा बेडरूम, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट करते हैं, फिर यहाँ पे आया ऑप्शन कस्टम रूम नेम, ठीक है बेडरूम नेक्स्ट कर देते हैं। और सुएल कनेक्ट टू वाईफाई, मेरा जो वाईफाई है वो है सुएल नाम से, तो इसको करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद यूज सेव पासवर्ड, ओके। तो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है वाईफाई के साथ, देखिए ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट किए, तो देखिए टेक योर असिस्टेंट टू रिकॉग्नाइज योर वॉइस, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, एग्री, आई एग्री, हेलो, ओके गूगल, व्हाट्स द वेदर लाइक टुमारो, ओके गूगल, रिमाइंड मी टू वाटर माय प्लांट्स एवरी मंडे, हे गूगल मेक ए कॉल, हे गूगल सेट ए टाइमर फॉर 5 मिनट्स। देखिए ये मेरा बातों का एक्सेस कर लिया है, सेटिंग अप वॉइस मैच,
लेस देन ए मिनट ये सेटअप कर रहा है मेरा वॉइस को। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है स्टार्ट सेविंग ऑडियो, तो यहाँ पे कर देते हैं सेविंग ऑडियो इज योर चॉइस। ओके तो यहाँ पे हम अभी और यहाँ पे बोल रहे ऑडियो इज सेव्ड इन योर गूगल अकाउंट, यू कैन लिसन एंड डिलीट इट activity.google.com। तो ठीक है हम इसको नॉट नाउ कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आई एग्री, डिफॉल्ट म्यूजिक सर्विसेज, यहाँ पे आप यूट्यूब गाना का कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, जो भी है आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है फ्री सर्विस, एक्टिव फ्री सर्विस अवेलेबल यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे जो करके रखेंगे वो है गाना, क्योंकि गाना इसमें दोस्तों एक साल के लिए फ्री मिल रहा है, तो इसीलिए हम यूट्यूब ना म्यूजिक करके पहले गाना को करेंगे और करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे करेंगे येस लिंक अकाउंट, ऑथोराइज हो गया, इसके बाद नेक्स्ट, ये गेट स्टार्टेड विद वॉइस कॉल्स, कंटिन्यू, यूजर फोन नंबर विथ डुओ, गूगल डुओ के साथ ये कनेक्ट होगा। यहाँ पे कर देते स्किप नंबर, नो थैंक्स, ऑलमोस्ट फिनिश्ड, कंटिन्यू कर दिए। ठीक है और जस्ट आई एम योर गूगल असिस्टेंट, आई एम हियर टू हेल्प, टू लर्न अ फ्यू थिंग्स यू कैन डू, कंटिन्यू इन द गूगल होम ऐप। ठीक है यहाँ पे दे रहे फिनिश सेटअप कर देते हैं, तो ये देखिए मेरा सेटअप कंप्लीट हो गया। ओके गूगल प्ले सम म्यूजिक, प्लेइंग सम म्यूजिक ऑन गाना। देखिए ये म्यूजिक प्ले हो गया दोस्तों और काफी अच्छा साउंड है, ये देख पा रहे ये फुल वॉल्यूम में प्ले हो रहा है। ओके गूगल स्टॉप म्यूजिक, ओके गूगल प्ले म्यूजिक फ्रॉम यूट्यूब, प्लेइंग सम म्यूजिक ऑन यूट्यूब म्यूजिक। देखिए ये एक्सेप्ट कर रहा है मेरा बात को, जैसा हम बता रहे हैं उसी हिसाब से ये हो गया, यानी इस ये पूरा ही कन्फिगर हो चुका है सक्सेसफुली। तो इसी तरह आप अपना कोई भी स्मार्ट स्पीकर को कन्फिगर कर सकते हैं उसके ऐप के जरिए। तो दोस्तों इसी तरह आप कोई भी स्मार्ट स्पीकर को आप लोग कन्फिगर कर सकते हैं उसके ऐप थ्रू। वीडियो पसंद आने से वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों लोगों के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुँचे कि MI स्मार्ट स्पीकर को छोड़ के भी कोई भी स्मार्ट स्पीकर को कैसे कन्फिगर किया जाता है आपका मोबाइल फोन के थ्रू। अगर आप मेरा चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।